बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने औरतों को बात बात पर रोते देखा होगा, या कभी आपने सोचा है कि औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के फरमान से औरतों के बिला वजह रोने की हैरान कन वजह जानते हैं। एक मरतबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हो? तो माँ ने जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। लड़के ने कहा, माँ मैं समझा नहीं। तो माँ ने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी, बेटा तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे। लड़के को तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंचा और पूछने लगा, अब्बा जान ये औरतें बिला वजह क्यों रोती हैं? तो इस पर अब्बा ने भी यही कहा, बेटा क्योंकि वो औरतें हैं इसलिए बात बात पे रोती हैं। लड़के को फिर भी तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। फिर एक दिन उस लड़के को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का ख्याल आया तो वो हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, सरकार मेरे जहन में एक सवाल है लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाँ का जवाब मिलने पर इस लड़के ने कहा, सरकार सवाल ये है कि औरतें जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा किया तो इसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और अल्लाह ताला ने औरत को इतनी ताकत भी दी है कि वो अपने खानदान के गम और परेशानियों को बर्दाश्त कर सके और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके। और यही नहीं, अल्लाह ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और माफ करने वाले दिल से भी नवाजा है। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए। जब कभी औरत की तकलीफ या परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो अपनी इस तकलीफ का बोझ कम करने के लिए अपने आंसू बहा सके और फिर वो अपनी जिंदगी में दोबारा से नए दुखों नए गमों का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके।